أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jo ayat maine shuru mein padhi hai, yeh hai Surah Al-Baqarah, Chapter 2, Verse number 79. Allah Pak farmate hain, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kehte Allah Taala farmate hain ki aur yeh jo log hain, jo apne haathon se kitab likhte hain, और फिर एंड में कहते हैं कि ये तो अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि थोड़े से पैसे कमा लिए जाएं। अल्लाह पाक फरमाता है वबैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, सो लानत है जिन्होंने ये जो है किताबें जो है लिखी, वबैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून एंड वो टू देम हु अर्न थ्रू इट। लानत है लिखने वालों पर, लानत है कमाने वालों पर। सूरत अल बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 79। आज का टॉपिक क्या है? The Annunciation of Jesus Christ, peace be upon him। ईसा अलैहि सलाम या यसू अल मसीह की जो बर्थ की जो खुशखबरी है, उनकी वलादत की जो खुशखबरी है बाइबल में, उसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करूंगा। पहली बात है, मैं कुछ बुनियादी चीजें आपको समझा दूं। बाइबल के अंदर चार अनाजील जिन्हें गॉस्पल्स कहते हैं, खुशखबरी, वो है मती, मार्कस, लूका, यूहन्ना। लेकिन असल जो इंजील का जो फलसफा था वो था इंजील ईसा या इंजील यहोशुआ। वो आज क्रिश्चियनडम में मौजूद नहीं, तो लिहाजा हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। उसके अंदर हम ये सारी स्पेक्यूलेशन करते हैं एटसेट्रा। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इख्तलाफ, कॉन्ट्रडिक्शन या लाए, जिसको आप झूठ कह सकते हैं या एरर कह सकते हैं, खुदा के कलाम में दिखाऊंगा कि कोई पास्टर वर्थ द नेम, कोई वेस्टर्न पास्टर हो, वेस्टर्न डिबेटर हो, वेस्टर्न इवेंजलिस्ट हो, ईस्टर्न इवेंजलिस्ट हो, ईस्टर्न डिबेटर हो, खास तौर पे हमारे हिंदुस्तान या इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान भी है, इधर के जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कुछ ज्यादा ही सियाणे हैं, कुछ ज्यादा ही समझते हैं और समझ रखते हैं अपने नजदीक, और बेचारे वो जो मगरबी पास्टर है भोले भाले, उनको बेवकूफ समझते हैं। तो वो हों बेशक, वो भी आ जाए, जिनको ना उर्दू आती है, जिनको ना अरबी आती है, जिनको ना इंग्लिश आती है, जिनको ना ग्रीक एंशियंट आती है, जिनको ना एंशियंट हिब्रू आती है, लेकिन वो डिबेटर हैं और डिबेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी घटिया अपोलोजेटिक्स आज कर मैं जो देख रहा हूं ऑनलाइन होती हैं, हर बंदा डिबेट कर रहा है और क्रिश्चियन जो है दो सबक पढ़ लेता है कुरान के खिलाफ और फिर आके वो ऐसे चौधरी बन के डिबेट करना शुरू हो जाता है। मतलब देख के मुझे हंसी आती है कि क्या लेवल है और क्या अपोलोजेटिक का लेवल हो चुका है यार। इतना मतलब गिर गया हुआ है कि कोई दम ही नहीं है आपकी डिबेट्स में, कोई जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कोई वजन ही नहीं है, सवाल करना नहीं आता, जवाब देना नहीं आता, सवाल और इतराज़ का भी नहीं पता कैसे पेश करना है और जवाब भी उसका चाहिए, मतलब सवाल का इतराज भी हम सिखाएं भाई ऐसे नहीं, ऐसे सवाल करना चाहिए था आपको और इसका ये एक जवाब बनता है। ना सवाल आता करना, ना जवाब देना आता है, लेकिन डिबेट करनी आती है। तो ये इन सब के लिए एक चैलेंज है कि आए और आके इस प्रोफेसी का जवाब दें अपनी बाइबल से। कुरान क्या बोलता है द अनाउंसिएशन के ऊपर, इसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में, शायद आज ना आऊं लेकिन इंशाल्लाह किसी और दिन मैं इस मौजू पर बात करूंगा। लेकिन आज जो मैंने खालिसन जो बात करनी है वो करनी है लूक चैप्टर 1 वर्स नंबर 30 ऑनवर्ड्स। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बाइबल खोल लें इस टाइम,
क्रिश्चियन जो है वो होली स्पिरिट जो दावे करते हैं ये लोग, ये तो खैर बगैर बाइबल खोले ये चीजें समझ नहीं सकते, इनके लिए तो बाइबल खोलना जरूरी है क्योंकि तर्जमे के गुलाम हैं, फिर तर्जमे के गुलाम है, फिर तर्जमा, फिर तर्जमा, फिर तर्जमा। असल टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर तो कोई इलम है ही नहीं, कोई अबूर है ही नहीं, ना कोई हाफिज़ बाइबल मौजूद है यहां पर जिसने कोई तस्दीक करनी है, तो वो तो खोलेंगे खोलेंगे, लेकिन आपके लिए मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी खोलें, क्योंकि जब क्रिश्चियन ही कोई बाइबल का हाफिज नहीं है तो फिर मुसलमान को होने की क्या जरूरत है। तो आप लोग खोलें लूक चैप्टर 1 और वर्स नंबर 30 से ऑनवर्ड मैं पढ़ूंगा। याद रखिएगा कि बाइबल को आयात ना कहा करें। मैंने अक्सर डिबेटर्स खासतौर पर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हैं वो बाइबल को भी आयत बोलते हैं, मुसलमान होके भी आयत नहीं है बाइबल, बाइबल का वर्सेस कह लें, कलाम कह लें, या अल्फाज कह लें, या जुमले कह लें, लेकिन वर्स नहीं, सॉरी आयत नहीं, क्योंकि आयत जो है ये अरबी के साथ खास है। अरबी में आया कहते हैं कि निशानी, मौजजा, व मिन आयात ही और अमंग हिज साइंस, कि उसने मुख्तलिफ चेहरे बनाए, रंग बनाए और तुम्हारी डिफरेंट मुख्तलिफ जबानें बनाई, ये उसका मौजजा है। सूरह रूम में आया, व मिन आयात ही के खल्फ़ समावाती वल अर्थ, कि उसने आसमानों और जमीनों को बनाया और फिर उसमें चलते फिरते जानवरों को फैला दिया और वह जब चैन को जमा कर सकता है। पहली आयत थी सूरह रूम चैप्टर 30 वर्स 20, दूसरी थी सूरह अशूरा चैप्टर 42 वर्स नंबर 29। और बात बिल्कुल हट जाएगी लेकिन मैं अभी ये बात मैं कर दूं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ऐसी मखलूकात का जिक्र किया हुआ है जो आसमानों में जमा में और जमीन में मौजूद है, चलते फिरते, दाबतिन, और ये दाबा अरबी में कहते हैं उन जानवरों को जो अपनी टांगों पर चलते हैं, ग्रेविटी से चलते हैं, क्रीचर्स, वॉकिंग क्रीचर्स। अल्लाह पाक कुरान में जिक्र कर रहे हैं सूरह अशूरा चैप्टर 40 वर्स 29 में कि हमने, ये हमारी आयात, हमारा मौजज़ा है कि हमने आसमानों जमा और जमीन में चलते फिरते जानवर फैला दिए और हम जब चाहे उनको आपस में इकट्ठा कर दें। शायद कोई अल्लाह जानता है कि अल्लाह की कोई मखलूकात है आसमानों पर और अल्लाह पाक जब चाहे उनको इकट्ठा करें और आपस में जोड़ दें, यह अल्लाह की हिकमत है। बहरहाल मौजू पर चलते हैं, तो बाइबल वर्स है आयत नहीं। बगैर वक्त जाय किए पहले तो मैं आ जाऊं आपको बाइबल का फलसफा समझाने। पॉल जो इनका रसूल है उसने अपने खत में लिखा पीटर के नाम, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 22, उसमें वो कहता है कि ओल्ड पीपल, जितने भी पुराने पीपल थे, दे गॉट द प्रोफेसी और स्पेक By the help of the Holy Ghost, Holy Ghost जो था वो मदद करता था, टिकल करता था, तो लिहाजा चूंकि बोलते थे। कहां लिखा हुआ है? 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 22, लास्ट वर्स है, और ये खतूत हैं जो पीटर के नाम पॉल ने लिखे, और उसके अंदर ये बात वाजे लिखी जा रही है कि सारी जो इंस्पिरेशन है बेसिकली होली मैन स्पेक थ्रू द हेल्प ऑफ द होली गोस्ट एंड होली गोस्ट टिकल देम सो दे राइट। बात क्लियर हो गई? होली गोस्ट कौन है? खुदा, खुदा का तस्लीस का हिस्सा जो लिख रहा है और लोग आगे लिख रहे हैं। तो यहां तक तो बात क्लियर हो गई, मतलब जो भी बाइबल में है वो खुदा ने इंस्पायर किया है होली गोस्ट के थ्रू होली मैन को चूज करके। मैंने जैसा शुरू बताया था ना कि फवैलुल्लज़ीन यक्तुबून अल-किताब बिअयदीहिम थुम्मा यकूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह। अब देखते हैं कि चूंकि वो जो बातें हैं सारी कुरान जो दावे करता है वो आज पूरी होती है कि नहीं। ये क्रिश्चियन ये बोलता है ना कि आज का जो पादरी, देखें जब मैं बोलता हूं ना क्रिश्चियन ये बोलता है, तो ये क्रिश्चियन आम अच्छे लोग नहीं है इसमें शामिल, ये आज जो आम जो अच्छे लोग हैं ना क्रिश्चियन, ये बहुत अच्छे लोग हैं दिल के, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पादरी है ना आप लोगों के, मैं इनको पकड़ता हूं हमेशा, ये पादरी जो पास्टर्स हैं, प्रेडिकांट्स हैं, ये बाइबल जो गॉस्पल्स हैं, ये हॉट थंपर्स हैं, ये जो इवेंजलिज्म जो करते हैं, प्रोसिलिटाइजर्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं जो आके जो डस्ट रेस करते हैं रिमोट प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान में और हमारे उनका फायदा उठाते हैं, अनफेयर एडवांटेज उनकी पॉवर्टी का, उनकी लाइलमे का, जहालत का, और वहां के कहते हैं यस्सु अल मसीह खुदा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आप लोगों को भी आके हेल्प नहीं करते।
आप जो पांच चार आम लोग हैं जो चंदे भरते हैं उनके आप चर्च बनाने के लिए, वो आपकी भी हेल्प नहीं करते इस मामले में। कभी हम उनसे बात तो करें, आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे ये पास्टर्स, ये कभी मुंह भी नहीं लगाएंगे आपको। मैं बता रहा हूं, आप गरीब कहेंगे ये कौन गरीब लोग हैं, क्योंकि उनकी जेबें भर गई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अ रिच मैन टू एंटर इनटू पैराडाइज एज द सेम एज यू पास द कैमल इनटू एन आई ऑफ नीडल। सुई के जो मुंह है ना, सुई की जो आंख है उसके अंदर से, या जो भी है उसके अंदर से ऊंट को गुजारना, ऐसी मिसाल है एक अमीर बंदे का जन्नत में जाना। उन्होंने कहा यू आर नॉट ऑफ मी हु डज नॉट टेक हिज क्रॉस एंड फॉलो मी, सेल एवरीथिंग एंड फॉलो मी। उन्होंने कहा सब कुछ बेच दो और मुझे फॉलो करो। ये सब कुछ इकट्ठा करते हैं यहां के पास्टर्स, जो आजकल के जो पास्टर्स हैं। उन्होंने फरमाया इवन द फॉक्सेस हैव होल्स एंड द बर्ड्स हैव नेस्ट बट द सन ऑफ मैन हैज नो प्लेस टू पुट हिज हेड अपॉन। कहते हैं कि जो सन ऑफ मैन है, बनी आदम है, उसके पास तो जगह भी नहीं सर रखने की, उसके पास तो जगह भी नहीं सर रखने की। और वही बन के जो फॉक्सेस हैं उनके पास घर हैं और ये उनका घर है। कभी बेथलहम से कोपरनाम, कभी कोपरनाम से फलानी जगह, कभी फलानी जगह से फलानी जगह वो प्रीचिंग कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, और ये पास्टर्स एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगियों को। ठीक है, इसलिए ये जो मैं कहता हूं ना क्रिश्चियन फ्रेज है, ये आपके लिए डेरोगेटरी फ्रेज नहीं है। ये मैं उन पादरियों की बात करता हूं जो इस्लाम पे अटैक करते हैं। बारह लूक चैप्टर 1 वर्स नंबर 30 पे ऑनवर्ड्स देखें क्या लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं ये कौन सी प्रोफेसी पूरी हुई आपके मुताबिक, नॉट हमारे मुताबिक। हमारे मुताबिक क्लियर है चैप्टर 3 वर्स नंबर 42 आले इमरान, वर्स नंबर 42 टू 49 अनाउंसिएशन आई, और उसकी फुलफिलमेंट आई सूरह मरियम चैप्टर 19 वर्स नंबर 33 से ऑनवर्ड्स। ये सूरह मरियम और सूरह आल इमरान में अनाउंसिएशन एंड द बर्थ एंड मिरेकल्स ऑल आ चुके हैं, जिस पर मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि बाइबल के अंदर ये प्रोफेसीज हैं ये पूरी कब हुई। सुनिए अब कहता क्या बाइबल में क्या लिखा है। लूक लिख रहा है किससे इंस्पायर्ड होके, होली स्पिरिट से, क्योंकि बाइबल ने बोला। मैंने अभी इससे आपको कोट किया, कोटेशन पॉल की, सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्स नंबर 22 लास्ट वर्स, जहां उसने कहा कि होली मैन स्पेक थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ होली गोस्ट। अब होली गोस्ट देखें क्या लिखवा रहा है लूक को। एंजल आए मेरी के पास, मेरी कौन, मरियम अलैहा सलाम। बाइबल के मुताबिक पढ़ रहा हूं लूक चैप्टर 1 वर्स नंबर 30 ऑनवर्ड्स लिखा है मैरी फियर नॉट, मरियम खौफ ना कर, अल्लाह खुदा तुझे एक बच्चा देने वाला है, एक खुश खबरी देने वाला है, जिसका नाम होगा जीसस द सन ऑफ द मोस्ट हाई। इनसे पूछें कि जब एंजल ने ये बात बोली थी मुंह से कि जीसस नाम होगा, जीसस तो लैटिनाइज नेम है फर्स्ट ऑफ ऑल, जीसस इज नॉट द नेम ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इज द नेम, करेक्ट नेम इज ईसा, जीसस इज नॉट करेक्ट, जीसस इज लैटिनाइज फॉर्म, यूसुस यसूह और यहोशुआ जीसस, यू पुट जे, आप लोगों ने जे पुट कर दिया जहां या था, बेंजामिन बन गया बेंजामिन, अल्लाह शबत बन गया एलिजबथ। बड़े बड़े नाम आप अब देखें जूस चेंज कर दिए, यूनुस जोना, यूसुफ जूसुफ, अब जूसुफ से जोजफ, ये सारे लैटिनाइज नेम है, ये असल नाम नहीं थे उन नबियों के। बारह जो आप कहते हैं हिज नेम एंजल कॉल बी कॉल जीसस द सन ऑफ द मोस्ट हाई। अब आ रहा हूं क्रक्स ऑफ द मैटर, ये जो सन है ना इसके ऊपर मैं अभी नहीं चाहता, सन बहुत है बाइबल में। लूक यही लूक लिखता है चैप्टर 3 वर्स 38 में कि एडम द सन ऑफ गॉड, और आदम अलैहिस्सलाम के ना फादर थे ना मदर थे, तो वो भी बड़े गॉड हो गए। मैं इस बहस पर जाना चाहता, बहरहाल ये एक फ्रेज है और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बोला वर्ड गॉड हैज कम एंड स्क्रिप्चर कैन नॉट बी ब्रोकन, और स्क्रिप्चर भी नहीं टूट सकता। ये से ही ऑफ हिम हुम द फादर हैज सैंक्टिफाइड एंड सेंट आउट टू दिस वर्ल्ड दैट थाउ ब्लास्फेमस दैट यू क्लेम दैट यू सन ऑफ गॉड बट यू कॉल गॉड्स डायरेक्टली इन योर लैंग्वेज। ये ईसा अलैहिस्सलाम है डिफेंडिंग कर रहे हैं, और कौन सी डिफेंडिंग, ये वो जूस जो उन पर अटैक कर रहे हैं,
ये मैंने पढ़ी है जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 31 से ऑनवर्ड्स। इसका भी मैं किसी दिन आपको डिटेल इंशाल्लाह जो है ना इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सफोलिएशन करूंगा। बारह लूक में लिखा है एंजल ने कहा मैरी फियर नॉट, गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ ग्लैड टाइडिंग ऑफ अ सन हुज नेम शैल बी जीसस द सन ऑफ द मोस्ट हाई। अब सुने लिखा हुआ है एंड ही विल टेक हिज फादर्स थ्रोन डेविड, और वो दाऊद का तख्ता लेगा। कौन? यसूल मसीह। ये कौन बोल रहा है? लूक चैप्टर 130 में एंजल प्रोफेसाई कर रहा है किसको? मरियम को, कि तुम्हारा बेटा उसका नाम जीसस होगा और वो अपने बाप का तख्ता दाऊद का तख्ता लेगा। एंड ही शैल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर, और वो ये जो बनी इसराइल बनी याकूब का जो घराना है उसके ऊपर अब्द तक राज करेगा। क्रिश्चियन जो है ना अब्दी गुना पे बड़ा बहस करते हैं, अब्दी गुना, ये अब्द नजर आया कभी? फॉर एवर हाउस ऑफ जेकब वो रूल करेगा फॉर एवर, एंड हिज पावर विल नॉट बी अबेटेड और इट विल बी फॉर एवर। यीशु मसीह। अच्छा अब आते हैं जी इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन पे, कौन सा तख्ता दाऊद ईसा अलैहिस्सलाम को मिला था, यसू अल मसीह को मिला था? पूरी जिंदगी में बाइबल के मुताबिक मुझे वो वर्स पेश करें, कौन से बनी इसराइल के घराने ने यसू अल मसीह को एक्सेप्ट किया था? अपनी बाइबल से वर्स पेश करें। ईसा अलैहिस्सलाम, यसू अल मसीह ने बाइबल में बोला माय ओन रिसीव मी नॉट, मेरे अपनों ने ही मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, और वो तो खुद बनी इसराइल के घराने से थे कि नहीं थे? फिर आपके बकौल यसू अल मसीह को सूली पे किसने चढ़ाया? बनी याकूब के घराने ने, और चढ़ा के मार भी दिया अपने नजदीक। वो तो कुरान में आके कहा वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुबिया लहू, तुम्हें ऐसा लगा ऐसा हुआ लेकिन नहीं हुआ। तो कुरान में आके इज्जत रखी है, आपने तो नहीं रखी। तभी तो आज यहूदी बोलता है कि जीसस वॉज इम्पोस्टर, अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफर कुफर नाबाशद, दैट इज द ट्रू फैक्ट फ्रॉम जिस जूस पर्सपेक्टिव। जाहिर अगर उनके नजदीक ये सारी बातें आपको मिलेंगी तो वो यही बोलेंगे। बाहर तो क्या किया? दो चीजें फरिश्ते ने बोली मरियम अलैहिस्सलाम को, तेरा बेटा जो होगा वो दाऊद का तख्त लेगा। दाऊद के तख्त के ऊपर जब यसू अल मसीह का मिडनाइट ट्रायल हो रहा था उस टाइम उनके तख्त पर पोंटियस पायलट बैठा हुआ था, रोमन गवर्नर, पेगन, काफिर, मुशरिक। जबकि बिशारत ये दी गई थी लूक ने एंजल लेके तेरा बेटा तख्ता दाऊद लेगा। अब क्रिश्चियन बोलता जी ये तख्ता दाऊद जो था ना ये दुनियावी नहीं था, ये तख्ता दाऊद जो था ये रूहानी था, ये तख्ता दाऊद फलाना था, ये तख्ता दाऊद ये था। तो यसूल मसीह ने फिर क्यों बोला? जब मिडनाइट ट्रायल हुआ और यहूदियों ने जब सेनहेड्रिन की, यहूदियों की जो एक अदालत होती है, वहां जाके बोला कि ये क्लेम करता है टू बी द सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा, ये ब्लास्फेमी है हमारे नजदीक। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आर ही कॉल्ड गॉड्स। क्या बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने ये जो सेकंड साम्स में लिखा हुआ नहीं है दैट यू ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये आर गॉड्स, क्या लिखा नहीं है उसके अंदर एक्सोडस के अंदर, बुक ऑफ एक्सोडस, बिहोल्ड आई हैव मेड यू ए गॉड टू फैरो एंड योर ब्रदर आरून थाउ शैल एज अ प्रोफिट। ये किसको बिशारत दी गई है? मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि खुदा, मैंने तो ये खुदा बना के फिरौन पे भेजा है। फिर आपकी जो है 2 Corinthians 4:4 एंड डेविल इज द गॉड ऑफ दिस अर्थ, और शैतान इस दुनिया का खुदा है, ये आपकी 2 Corinthians में लिखा हुआ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इधर तो तुम लोगों को कभी फॉल्ट नजर नहीं आया, तो मेरी हर बात पर फॉल्ट नजर आता है, जबकि मैं कहता मैं सन ऑफ गॉड हूं, मैं तो अपने आपको गॉड भी नहीं बोला। अच्छा जी, तो फिर उस टाइम मिडनाइट ट्रायल में जब यहूदी ने अपनी सेनहेड्रिन की तो बोला ये तो अपने आप को काफिर बोलता है, ये तो कहता है मैं सन ऑफ खुदा का बेटा हूं, तो ये तो कुफर है हमारे नजदीक। तो उन्होंने कहा लिहाजा इसको तो हमने सूली पे चढ़ाना है। लेकिन यही यहूदी जब रोमन अदालत में लेकर गए पोंटियस पायलट, पहले हेरोद के पास लेकर, हेरोद ने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वापस ले जाओ पायलट के पास। जब ये पायलट के पास है तो वहां चार्ज बदल दिया, ये नहीं बोला कि ये क्योंकि सन ऑफ गॉड पायलट को क्या लगे, सॉरी हाँ उसको क्या लगे, पोंटियस पायलट को क्या लगे, वो तो पहले ग्रीक्स, ज्यूस, फादर और ये सारी चीजों को मानता है, पोलो, स्टार्टर्स, हर्कुलिस, उसको क्या लगे, वो कह गए एक और आ गया जीसस ऑफ नेजरत, मान लेंगे उसको भी।
लेकिन उधर चार्ज बदल दिया, उसने कहा ही इज क्लेमिंग टू बी द किंग ऑफ द जूस, ये कहता है मैं जूस का बादशाह हूं। यहां तो फिर बादशाह आ गई। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी बादशाह तो इस दुनिया की है ही नहीं। तो फिर ये तो फरिश्ते ने बोला था कि तख्ता दाऊद लेगा, और तख्ता दाऊद तो दुनिया में था जिस पर पोंटियस पायलट बैठा हुआ, और आज भी वो तख्ता दाऊद, माफ करना, जब 70 AD में टाइटस ने ठुड्डा मारा था यहूदियों को, डायस्पोरा स्टार्ट हुआ था, तो वही तख्ता दाऊद गया था स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से गया आयरलैंड, फिर आयरलैंड से वापस गया स्कॉटलैंड, फिर वापस आया इंग्लैंड, और अब है वो वेस्टमिंस्टर एबी की जो पार्लियामेंट चर्च है उस रानी के जो है ना कुर्सी के नीचे वो तख्ता दाऊद लगा हुआ है। ये तख्ता दाऊद, माफ करना, दुनिया में था। और ईसा सलाम ने तो बिल्कुल ही नफी कर दी, मैं तो दुनिया की बादशाह लेने नहीं आया। तो फरिश्ते ने तो कहा था कि तुम्हें जो है तख्ता दाऊद मिलेगा, तख्ता दाऊद जन्नत में क्या करना है, या हेवन में कौन था तख्ता दाऊद मिलना था उनको, उसका क्या पर्पज है बताए आके हमें। और दूसरी चीज, और ही विल रेन ओवर द हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर, और वो याकूब के घराने में अबद तक राज करेगा। कौन सा राज मिला याकूब के घराने में, याकूब के घराने नहीं तो उनको सलीब पे चढ़ा दिया, और हज़रत ईसा ने खुद ही फरमाया कि मेरे तो अपनों ने मुझे रिसीव ही नहीं किया। वो याकूब का घराना ही है जो आज 2000 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दे रहा है, बास्टर्ड कह रहा है और इम्पोस्टर कह रहा है। ये वही याकूब का घराना जो 2000 साल तक आज भी उधर माथा टेक रहे हैं वेलिंग वॉल पे, जिसको आज आपको कहते हैं जी हमारे ये दोस्त हैं यहूदी, ये वही यहूदियां, माफ करना, जिन्होंने यसूल मसीह को अपने नजदीक लटकाया है, जो समझ से हमने मार दिया, और वो आज अपने मसीह का वेट कर रहे हैं, जिसको कुरान और इस्लाम के स्किटोलॉजी में कहते हैं मसीहा दज्जाल, और आप भी इसको एंटी क्राइस्ट बोलते हैं। तो कौन सा दाऊद का तख्त मिला, कौन सा बनी इसराइल के घराने ने उन पे अब तक राज किया। अब्द का मतलब पता क्या होता है, फ्रॉम द स्टार्ट एंड टू द एंड, टिल टू द एंड, ये होता है अब्द, फॉर एवर। आज 2000 साल हो गए वो जूस मार रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, सबको ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई यसु मसीह, यसुल मसीह का नाम भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो कौन सा राज हुआ अब तक मुझे बताएं। ये जन्नत के राज हैं सारे, आखरत के राज, आखरत में तो किसी की चलनी कुछ नहीं, आखरत में तो रब का ही चलना है। दुनिया की ये बिशारत फरिश्ता दे रहा था मरियम अलैहिस्सलाम को, आखरत की नहीं दे रहा था। अब मुझे बताएं कि ये दो प्रोफेसीज किस क्राइटेरियन में फुलफिल होती हैं, आके हमें दुनिया में लोगों को आके बताएं, ये जितने पास्टर जो चंदे लेते हैं चर्च के, कि कौन सा तख्ता दाऊद मिला, जबकि तख्ता दाऊद पे यसु अल मसीह खड़े हुए थे, आए मुजरिम होके अस्तगफुरुल्लाह, और पोंटियस पायलट काफिर उनको इंटेरोगेट कर रहा था, जबकि उनको इंटेरोगेट उनको करना चाहिए था, वो आके पूछ रहा है कि क्या तुमने ये बातें बोली, क्या तुम कहते हो तो किंग ऑफ द जूस, माय किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी तो दुनिया से की बादशाह है ही नहीं। तो फिर फरिश्ते ने क्यों बोला था तुझे तख्ता दाऊद मिलेगा। और फिर दूसरी बात, वो हाउस ऑफ जेकब फॉर एवर पर जो राज करना था, वही हाउस ऑफ जेकब जो है उनको धक्के मार मार के उनको आगे जो है स्लीप पे पहुंचा रहे थे। तो बहरहाल कभी सोचें, ये किताबें मैंने कहा ना, मैं एंड कर दूं इस बात पे कि लाना थे उन पे, वो टू देम हु राइट डाउन द बुक्स विद देयर ओन हैंड्स एंड देन दे से दिस इज फ्रॉम अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ है, क्यों, टू जस्ट अर्न सम स्मॉल मनी। सो वो टू देम व्हाट देयर हैंड्स डू राइट एंड वो टू देम व्हाट दे अर्नड थ्रू इट। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।